हिंगनघाट विधानसभा क्षेत्र में विधायक समीर कुनावार के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने और उनके ऊपर अनुद्धार करने के लिए कांग्रेस नेता नाना पटोले के खिलाफ आज दोपहर विधानसभा हिंगनघाट क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक समीर कुनावार के नेतृत्व में थाने रिस्तर में शिकायत दर्ज कराई। इस अवसर पर नगराध्यक्ष प्रेम बसंतानी, भाजपा के कई पदाधिकारी और नगर सेवक भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने प्रधानमंत्री के बारे में अनुचित टिप्पणी की है और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी भी दी है। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री की झूठी निंदा करने पर केंद्रीय मंत्री रानी सहित कई भाजपा नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। विधायक समीर कुनावार ने मांग की है कि कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस तरह का अपमान करने के लिए कांग्रेस नेता नाना पटोले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तरह के अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करते वक्त भाजपा कार्यकर्ता संतप्त हुए थे। इस अवसर पर विधायक कुनावार के साथ भाजपा महासचिव दिनेश वर्मा, नगर मंत्री अनिल गहेरवार, दीपक धामसे, स्टार प्रचारक राकेश वर्मा, रवि रोहनकर, विलास अंबरवेले, छाया सातपुते, कौसर अंजुम, मोहम्मद रफीक, कल्याणी गजानन इटनकर, राजू कामड़ी आदि उपस्थित थे। आज कांग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांनी देशाचे महामहिम पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांबद्दल जे उद्गार काढले, त्यांनी जीवे मारण्याची भाषा त्यांनी वापरली, त्याचा निषेध म्हणून हिंगणघाट भारतीय जनता पार्टीतर्फे आज पोलीस स्टेशन या ठिकाणी तक्रार देऊन त्यांच्या विरोधामध्ये गुन्हा दाखल करण्यासंबंधी भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी आम्ही या ठिकाणी तक्रार दाखल केलेली आहे। देशाच्या पंतप्रधानाला मारण्याची भाषा करणारे हे पहिले एकमेव थोर पुढारी दिसत आहे। आणि महाराष्ट्रामध्ये आपण बघितलं असेल, काही दिवसापूर्वी नारायण राणेंनी मुख्यमंत्र्यावर टीका केली म्हणून त्यांना केंद्रीय मंत्री असून अटक करण्यात आली। आता काही दिवसापूर्वी मुख्यमंत्र्याच्या पत्नीला राबडी देवी असा उल्लेख केला म्हणून त्यांच्यावरती सुद्धा गुन्हा दाखल केला। त्याचप्रमाणे नाना पटोले साहेबांनी जे वक्तव्य या ठिकाणी केलेलं आहे पंतप्रधानाच्या विरोधामध्ये, त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई व्हायला पाहिजे। महाराष्ट्रामध्ये न्याय सर्वांसाठी सारखा असला पाहिजे अशी भारतीय जनता पार्टी हिंगणघाटची भूमिका आहे आणि त्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आता तक्रार दाखल केलेली आहे। आम्ही वाट बघू, जर पोलिसांनी काहीच कारवाई केली नाही तर भारतीय जनता पार्टी हिंगणघाटतर्फे मोठं आंदोलन उभं करण्यात येईल। BCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।